और इस वक्त मैं हूँ लाल कुआं और ये बिल्कुल खत्म सी जो चीज दिख रही है यही है जीनत महल। हवेली है ये जिसके अंदर ये अब तमाम तरह की चीज़ें बना ली गई हैं। ये पूरा जीनत महल का ही हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा वही है। बाप रे, ऐसा लग रहा है कि जफर महल की जो हालत थी उसके मुकाबले में तो जीनत महल एकदम ख़त्म है, ये एकदम ख़त्म है। कितना बड़ा है क्या है मुझे नहीं पता, ये ऐसे जा रहे हैं। इसमें बहुत सारी चीजें दुकानें चल रही हैं, क्या है ये आगे और कितना दूर तक जाता है ये आगे? हाँ बस ये यहीं तक, ये स्कूल है और इसका नाम ही है जीनत महल। तो ये देखिए ये जीनत महल नाम ही है, वापस इतनी तारे हैं कि नाम भी नहीं पता चल पा रहा। ये इस स्कूल का नाम ही है जीनत महल लाल कुआं, ये एक सरकारी स्कूल चलता है। ये स्कूल है जो कि इस वक्त शायद बंद है, तो यहाँ पर ये एक स्कूल चलता है। ऐसा लग रहा है एक महल के अंदर पूरी की पूरी दुनिया बसी हुई है, लेकिन ASI क्यों इसके बारे में जानकारी नहीं ले रहा है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। जस्ट लुक एट, देखिए ये दरख्त दिख रहे हैं कुछ पुराने पीपल के, रास्ता जा रहा है कहाँ तक जा रहा है कुछ नहीं पता। के ये है जीनत महल, ये पुराना मुझे कुछ दिख रहा है कि ये एक हिस्सा दिख रहा है बस, ये कुछ ये ऑलमोस्ट डेड ही है। कहने और सुनने का वक्त नहीं है क्या,
करीब 60 साल के बहादुर शाह जफर से 19 साल की जीनत महल जब निकाह करके आई तो उन्होंने लाल किला की जगह फतेहपुरी मस्जिद के करीब एक महल बनवाया जिसका नाम रखा गया जीनत महल। हिंदुस्तान की आखिरी मलिका बेहद पावरफुल थी और वो अपनी सियासत इसी जीनत महल से चलाती थी। इसी जीनत महल में जब वो पालकी में बैठकर आती थीं तो सड़क किनारे खड़े लोग उन्हें सिर झुकाकर सलाम करते थे और ढोल नगाड़ों से उनका स्वागत किया जाता था। यही वजह है कि उन्हें डंका बेगम भी कहा जाता था। हालांकि मुगलिया सल्तनत का ये दौर साजिशों भरा था। खुद जीनत महल अपने बेटे मिर्जा जवान बख्त को तख्त पर बिठाने की जुगत में लगी थी, लेकिन वक्त को कुछ और ही मंजूर था और 1857 के विद्रोह ने हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत का दौर ही बदल दिया। लेकिन जब बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर रंगून भेजा जा रहा था, जीनत महल को अंग्रेजों की तरफ से भारत में ही रहने का ऑप्शन दिया गया था, जिसे ठुकरा कर उन्होंने बहादुर शाह जफर के साथ जिला बद्र होना ही मंजूर किया और जहां उन्हें भी मरने के बाद किसी गुमनाम जगह में दफन कर दिया गया। लेकिन अफसोस होता है कि जिस जीनत महल ने एक शानदार दौर और रौनकें देखी थी, वो आज तमाम तारों और दुकानों के कब्जे में दफन होकर रह गया है।